अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम है खम्र ख़ानदान और अकल, और मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर कमल कैसर। एक छोटा सा बच्चा था और वो एक उस्ताद के पास पढ़ रहा था जहाँ बहुत से और भी तालिबे इल्म पढ़ रहे थे। और जब वो पढ़ाई कर रहा था तो ज़ाहिर है उस्ताद कभी सख्ती भी करता था, क्योंकि कुरान का मामला था, हिफ्ज़ का मामला था, बहुत सी तरबियत के उसमें एलिमेंट्स थे जिनको सीखना था। उस्ताद ने क्या देखा कि वो शागिर्द जो है वो थोड़ी देर के लिए बाहर गया, क्योंकि वो किसी ऐसे ख़ानदान से था जो कि बहुत इन्फ्लुएंशियल फैमिली थी। अब क्या हुआ, उस बच्चे ने जाकर वहाँ जो निगरान उसके साथ मौजूद थे उनसे कुछ बात की। उस्ताद ने दिल में सोचा, ज़रूर मेरी शामत आई और ज़रूर मेरी अब शिकायत लगेगी। थोड़ी देर के बाद बच्चा वापस आया और आकर बैठ कर पढ़ने लग गया। उस्ताद ने बच्चे को बुलाकर पूछा, क्या आपने मेरी शिकायत की थी? तो शागिर्द ने बहुत बादब अंदाज में कहा, नहीं, मैं ऐसी जुर्रत भी नहीं कर सकता था, इसलिए कि आप जो कुछ भी मेरे साथ कर रहे हैं, जो भी मामलात हैं, वो आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप मेरी इसलाह करना चाहते हैं। और ये जो वाक्या मैंने आपको सुनाया, ये एक ऐसे अजीम इंसान का है जिसका नाम हम तारीख़ में पढ़ते हैं, मामून रशीद। यानी आप देखते हैं कि बहुत से वालदैन जब अपने बच्चों की तरबियत करते हैं तो इस चीज़ को सही बैलेंस में नहीं ला सकते कि कितनी मोहब्बत करनी है, कितनी मोहब्बत नहीं करनी, किस मिजाज के साथ बच्चे को लेकर चलना है। और यहीं से हम देखते हैं कि ऐसी खराबियों के रास्ते खुलते हैं जिनके बारे में हम कितनी ही एपिसोड्स में बात कर चुके हैं कि हमारे बच्चे किसी न किस्म के नशे में कैसे मुब्तला हो जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे इस प्यार मोहब्बत की, और इसके साथ साथ हम और भी बहुत से मामलात और बहुत से बातों को उठाएंगे। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं बहुत जानी पहचानी शख्सियत, फरा सादिया, जो कि एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर भी हैं और बहुत सालों से ये मॉर्निंग शो को होस्ट कर रही हैं और किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। और इसी तरह हमारे साथ हमेशा प्रोग्राम में होती हैं माजिबीन हसनैन, जो कि लाइफ कोच हैं बच्चों के साथ, वालदैन के साथ, और इसके साथ साथ असातिज़ा से भी इनकी डीलिंग रहती है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। जी फरा, प्यार मोहब्बत की हम बात कर रहे हैं और बच्चों के साथ प्यार मोहब्बत। आप मुझे बताएं, आपसे सिलसिला शुरू करते हैं कि ये प्यार मोहब्बत बच्चों को करना और उसमें बैलेंस ट्राई करना, आपको लगता है कि पेरेंट्स के लिए आसान काम है? बहुत मुश्किल काम है आजकल के दौर में। इसलिए डॉक्टर कमल, आपने मामून और रशीद का कितना अच्छा वाक्या सुना। हारून और रशीद और मामून और रशीद, अगर हम हिस्ट्री अपनी पढ़े, हम जानते हैं कि उस्ताद का मकाम क्या है, माँ बाप का दर्जा क्या है। वो एक बड़ा मशहूर शेर है ना अल्लामा इकबाल का, ये फैजान नजर था कि मकतब की करामात सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फरजंदी। बिल्कुल सही। तो अब ये आपका भी क्वेश्चन वही है। अब आजकल के दौर में आप, मैं वालदा आपसे बात कर रही हूँ, मदर ऑफ टू, मुझे समझ नहीं आती कि हमने अपने बच्चों को उस तरह से समझाना है, बताना है जैसे मजहब हमें कहता है। जो ये कहता है कि सवाल किया जाएगा, सही, बच्चों को ये बताएं और अगर वो इस उम्र तक इस आदात को, अतवार को नहीं अपनाते हैं तो सख्ती से पेश आएं। बिल्कुल। दूसरी तरफ आज की एजुकेशन है जो हमें ये कहती है कि आपको कोई राइट नहीं है कि आप बच्चों के ऊपर सख्ती करें। सही। ये उनकी अपनी फ्री विल है, आप उन्हें एजुकेट कर सकते हैं, इन्फॉर्म कर सकते हैं, आप उनके साथ सख्ती नहीं बरत सकते। तो आजकल के दौर में बच्चों के साथ प्यार करना है, कितना करना है, कैसे करना है, इज अ डिफिकल्ट। बल्कि फरा, मुझे लगता है कि अब हम इस स्टेज पे पहुंच चुके हैं कि बच्चे खुद ही आपको कह देते हैं कि आप कैसे मुझे ये कह सकती हैं, इट्स माय लाइफ। बिल्कुल। बच्चे सिर्फ ये नहीं कह देते, ये मामून रशीद का आपने जो वाकया सुनाया है, किसी टीचर से आज कहिए तो सही। जी बिल्कुल। मैं आपको बताती हूँ कि मेरे अपने बच्चे के स्कूल में ये वाकया हुआ। अच्छा। कि वापस आया और उसने कहा कि वो आज टीचर ने उसको थप्पड़ लगा दिया। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, टीचर लगा देते होते हैं। बिल्कुल। तो पता चला कि स्कूल ने उस टीचर को एक्सपेल कर दिया और मेरे बेटे ने कहा टीचर कैन नॉट टच अ चाइल्ड। मैंने कहा ये आपको किसने कहा है बेटे? नहीं, टीचर नहीं हाथ लगा सकती हैं। मैंने कहा अगर मैं माँ हूँ ना तो मैं ये कहती हूँ कि अगर एक उस्ताद को जरूरत पड़े और उसको बच्चे को समझाने के लिए, मैं सख्ती की नहीं बात करी, सही बात, मैं कॉर्पोरल पनिशमेंट्स की बात नहीं करी, मैं मार मार के हाथ तोड़ देने, पांव तोड़ देने की अजियतनाक सजाओं की बिल्कुल बात नहीं करी। हाँ जी, लेकिन आजकल आप कह नहीं सकते। लेकिन वो कैरेट एंड स्टिक का जो आपने मैनेजमेंट में फॉर्मूला रखा हुआ है, तो बच्चों की डिसिप्लिनिंग भी तो मैनेजमेंट ही है। सही बात। उसमें भी अगर कैरेट और स्टिक होगी तो वो स्टिक जो है वो हो सकता है बातों से जरा बढ़कर, टाइम आउट से जरा बढ़कर, थोड़ा सा किसी बच्चे को जरा ज्यादा जरूरत पड़े,
which should not and cannot be compulsory के हर वक्त दफा physically हो, लेकिन अगर हल्का फुल्का अगर किसी ने बच्चे को कान खींच लिया या उसको कोई सजा दे दी है, हाँ किसी ना किसी तरह reprimand करना बहुत ज्यादा जरूरी है. ये carrot और stick की बात हो रही है, तो माजिबीन आप हमें ये बताएं कि वालदैन जब जिंदगी के मुख्तलिफ मराहिल से गुजरते हैं और क्योंकि वो जो कुछ फैसले कर रहे होते हैं बच्चों पर भी उनके असरात हो रहे होते हैं, तो परेशान क्यों हो जाते हैं, क्या मसला क्या है यहाँ पर? एक्चुअली कमल, हम सब लोग यही चाहते हैं. कौन चाहता है कि मैं मसलों में घिरूं? सब लोग हम चाहते हैं कि जिंदगी बहुत स्मूथ चलती रहे. जैसे अगर हम किसी से पूछते हैं अच्छा क्या हाल है, तो हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे होते हैं कि जवाब में आएगा बहुत अच्छा है. हम कभी एक्सपेक्ट नहीं करते वो कहेगा कि मैं डाउन हूँ, मुझे ये प्रॉब्लम है. तो हमारी एक्सपेक्टेशंस यही है. तो एक्चुअली अल्लाह ताला ने लेकिन हमें बता दिया और कुरान ने भी बता दिया कि जिंदगी ऐसे स्मूथ नहीं जाएगी, आपके टेस्ट आएंगे, पैकेज आते रहेंगे. और हम सहाबा की, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी देख लें, ठीक है, तो ये तो आएंगे हमारी जिंदगी में, ठीक है ना. अब इनसे कैसे हमने निमटना है, उसके लिए हमें तैयार होना पड़ेगा, उसके लिए हमें स्किल्स सीखने पड़ेंगे, उसके लिए हमें तैयारी करनी पड़ेगी कि कुछ ये हो सकता है तो फिर मैंने क्या करना है, ठीक है. अच्छा, वालदैन के साथ ये भी मसला बहुत ज्यादा होता है कि यानी कि वो कहते हैं कि अगर कोई मसला हो गया बच्चे के साथ तो मैंने तो इतनी दुआएं मांगी थी और मैंने तो इतना अल्लाह से कहा था, अल्लाह ताला मेरा बच्चा बिल्कुल सही निकले, और फिर अब उनको पता चला तो एक उनको शॉक लगा ना. तो क्या सिर्फ दुआएं, यानी दुआ का एक अपना असर है और अल्लाह ताला किसी को भी दुआ कबूल करके किसी की जिंदगी बदल देता है, तकदीर बदल जाती है, लेकिन अगर एक हम देखते हैं कि पेरेंट है जो कि दुआएं तो बहुत मांग रहा है लेकिन वो उसके साथ साथ कोई असबाब नहीं इख्तियार कर रहा, तो फिर वो जो उसको शॉक मिलता है तो उसको वो कैसे फिर डील करेगा, कितना टाइम लग जाता है? एक तो इसमें दोनों चीजें बहुत जरूरी है, दुआ तो है ही जरूरी, लेकिन उसके साथ साइड बाय साइड बच्चे के साथ आपने उसके बिहेवियर्स देखने हैं, उसके साथ कैसे रहना है. और जब पेरेंट को जैसे अगर नशे का पता चलता है, स्मोकिंग का पता है, तो वाकई शॉक लगता है. ये तो हम नहीं कह सकते, अगर हम एज अ पेरेंट हम सोचें तो ये बहुत शॉकिंग न्यूज होती है. लेकिन पेरेंट को उसके लिए 6 वीक्स वो कहते हैं लगने चाहिए कि वो उससे निकल आए. लेकिन अगर 6 वीक्स से ज्यादा टाइम लग रहा है तो इसका मतलब पेरेंट को पहले अपने ऊपर काम करने की जरूरत है. सही. क्योंकि अगर वो स्टेबल नहीं होगा तो बच्चा तो उस चीज से निकल ही नहीं पाएगा. बिल्कुल. मतलब कई दफा लगता है कि बच्चा तो नशे की वजह से बीमार है और वालदैन जो है वैसे ही खत्म हो रहे हैं, उनको पता ही नहीं चल रहा क्या करना है, उनका बिहेवियर इतना मिक्स आ रहा है कि बच्चा भी सेटल नहीं हो पा रहा और वो खुद भी परेशान है. अच्छा फरा, आप क्योंकि मीडिया से बहुत सालों से वाबस्ता हैं और मेरा ख्याल है कोई शख्स ऐसा नहीं है जिसको आपने जिसके साथ इंटरेक्ट नहीं किया और आपके शोज में वो लोग नहीं आए हैं, आप मुझे बताएं कि आप मीडिया के इम्पैक्ट को कैसे देखती हैं, स्पेशली हमारी यूथ पे. यानी एक जो रोल मॉडल बच्चों को नज़र आ रहा है, किसी से वो इंस्पिरेशन ले रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मैं इस जैसा बनना चाहता हूँ जैसा ये टीवी में है, चाहे वो कोई एक्टर है, एक्ट्रेस है या किसी भी स्टेटस पे है, और वो वहाँ पे कई दफ़ा हमें ड्रग्स का या ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करते नज़र आते हैं. कई दफ़ा वही लोग रियल लाइफ में भी कहीं ना कहीं आपको नज़र आते हैं जहाँ पे वो ये काम कर रहे हैं. आपका क्या ख्याल है कि इन चीज़ों का हमारे यूथ पे क्या असर होता है? बहुत गहरा असर होता है डॉक्टर कमल. जब व्हेन वी वर ग्रोइंग अप, जब बड़े हो रहे थे, एक चैनल होता था और उस चैनल की अपनी कुछ पॉलिसीज थी, रिस्ट्रिक्शंस थी, उसके तहत हम सब जानते हैं कि हम किस तरह की एक तरबियत और एक जैसे माहौल से गुजरे. सब एक चीज देखते थे, सब एक जैसा सोचते थे, सब एक जैसी चीजों को पसंद करते थे, एक जैसी चीजों को नापसंद करते थे. आजकल के दौर में मीडिया जो है उस जब से प्राइवेटाइज हुआ है, एक तो चैनल्स बहुत ज्यादा बूम हो गया, हर चैनल्स की अपनी एक पॉलिसी, एक एजेंडा, एक सोच, अपना क्राइटेरिया, अखलाकियात की हदूद क्या है उसका तायुन जो है वो चैनल खुद करता है. सही. कि यहाँ तक जो है ये बेहयाई है, इससे आगे बेहयाई नहीं है, ठीक है. यहाँ तक जिम्मेदारी है, इससे आगे जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है. ये इतना सा करके हमने अपने हिस्से का फर्ज अदा कर दिया, आगे हमारे हिस्से का नहीं है, बाकी भी करें. ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, ये सबसे बड़ा फ्लॉ होता है. सबकी जिम्मेदारी दरअसल किसी की जिम्मेदारी नहीं होती. जो जिम्मेदारी आप कह देना कि ये आपकी जिम्मेदारी है, आप उसे निभाएंगे. जब होगा ना ये आप लोग देख लीजिएगा, तो कोई भी नहीं देखेगा. सब कहेगा मैं क्यों देखूं, वो भी तो देखे, वो भी तो कर रहा है, उसको भी देखना चाहिए. आजकल के बच्चों का जो सबसे बड़ा डिलेमा है वो ये है, हमारा मीडिया नहीं रह गया उनका रोल मॉडल. अनफॉर्चुनेटली सोशल मीडिया इतना ज्यादा इस वक्त इन्फ्लुएंशियल है, वेस्टर्न मीडिया इतना ग्लोबल वर्ल्ड है, बिल्कुल इतना सब कुछ खुल गया है
कि अगर आप अपने मीडिया पे बहुत पाबंदियां भी लगा देंगे तो वहां से तो आएंगी चीजें। और आपके यहाँ फायरवॉल्स नहीं बनी अभी तक, आपके सोशल मीडिया पे जो चीज डाल दी जाए डल जाती है, वायरल हो जाती है, निकल जाती है। फिर आप ये देखें, जब आप सोशल मीडिया की बात कर रही हैं, वालदैन अक्सर हैं ही नहीं, और अगर वालदैन कुछ हैं भी तो उनको इस चीज का एहसास नहीं है कि उनके बच्चे क्या कुछ कर रहे हैं। बहुत अंडर एज होके वो बहुत से ऐसे उन्होंने एप्स जो हैं डाउनलोड की हुई हैं, उसमें वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसके क्या क्या इन्फ्लुएंसेस हैं पता ही नहीं है घर वालों को। डॉक्टर कमल, मैंने अपने बच्चों के साथ डायलॉग्स, क्योंकि जब आप ये बड़ा आपने जो टॉपिक पिक किया है, आजकल के हर वालदैन की दुखती रग है जी, इससे कि स्कूल्स कैंपसेस सेफ नहीं है, हम अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, हमें नहीं मालूम वो वहां से क्या लेकर आ रहे हैं। बिल्कुल सही। हम अपने बच्चों को ट्यूशंस के लिए भेज रहे हैं, हमें नहीं मालूम वो वहां से क्या लेकर आ रहे हैं। हम अपने बच्चों को प्लेग्राउंड्स में भेज रहे हैं, आजकल स्पोर्ट्स ड्रग्स से लेकर स्टडी ड्रग्स तक और आपकी एंटरटेनमेंट ड्रग्स से लेकर तो आपकी हर तरह की ड्रग्स तो अवेलेबल है और बच्चों का एक्सपोजर है उनसे और रेडिली अवेलेबल है। मैं आपको बताऊं, मैं अपने बच्चों से बात कर रही थी और मुझे बता रहे थे कुछ इंटरनेशनल स्टार्स के बारे में कि वो बहुत एडिक्ट हैं और उस एडिक्शन की वजह से उनके अंदर एक खास थॉट प्रोसेस चलता है और आमद होती है और वो थॉट प्रोसेस में दे हैव बिकम वेरी क्रिएटिव। तो डॉक्टर कमल, ये फेलियर है ना मेरा एज मदर, हमारा एज सोसाइटी और हमारा एज मुस्लिम कि हम अपने बच्चों को मोहकमात हैं हमारे, हलाल और हराम क्लियर कट है। अगर हमारा स्कूल बच्चों को ये नहीं बता सक रहा कि हराम इज बिग नो नो, तो मुझे बताइए हम बच्चों को वहाँ कौन सी तालीम दे रहे हैं और तरबियत कहाँ से आएगी, जबकि आपने वालदैन को तो ये कह के आपने ऑफ गार्ड कर दिया कि आप तो जनाब नहीं कह ही नहीं सकते कुछ, आप तो जालिम वालिद हैं। वालदैन अगर आप उन्हें मार पीट रहे हैं, तशद्दुद कर रहे हैं, अगर आप उन्हें ये कह रहे हैं कि नहीं करना, वो आगे से कहेंगे क्यों नहीं करना, ठीक है, सब लोग ये करते हैं। सही। ये सोशल वो है, वो भी करता है, वो भी करता है, वो भी करता है, और वो देखें वो कितने रिस्पेक्टेबल भी हैं, वो देखें वो कितने सक्सेसफुल भी हैं, वो देखें वो कितने लोगों में उनकी पॉपुलैरिटी भी है, क्योंकि वो पार्टीज थ्रो करते हैं, उस पार्टीज में हर तरह के लोग आते हैं, वो सोशलाइज करते हैं, वहां से उनके सोशल कॉन्टेक्ट हैं, उन सोशल कॉन्टेक्ट की वजह से वो इन्फ्लुएंशियल हैं। तो आप डॉक्टर कमल, आपको ना हमें एज पेरेंट एज सोसाइटी हमें बहुत सारी चीज़ों को सीधा करना पड़ेगा। ये इस वक्त वालदैन के बस पे अगर छोड़ दिया जाए तो वालदैन से ज़्यादा बेबस इस वक्त इस पूरे सिस्टम में कोई और हस्ती नहीं हो सकती। सही बात है। अच्छा माजबीन, ये भी एक बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आ गई है कि वालदैन पे बात आ गई कि वालदैन ज़रूर अपना रोल देखें। अच्छा, हम अक्सर घरों में देखते हैं कि वालदैन जो हैं, जब तक बच्चा छोटा है उसको खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, उसका ख्याल रख रहे हैं, वो सब कुछ ठीक हो रहा है, लेकिन जैसे ही बच्चा तकरीबन 9-10 साल का होता है, उसके अंदर अब वो बलूगत की तब्दीलियाँ आना शुरू होती हैं, तो वो नज़रें फेरना शुरू कर देता है, वो उसका एक एटीट्यूड आना शुरू हो जाता है, तो ये क्या सिलसिला है? हाँ कमल, इस पे मेरा सवाल पे सवाल यही है कि ये एटीट्यूड उसको दिया किसने है? शुरू से आप देखें, जब माँ बाप पालते हैं ना बच्चे, माँ बाप चाहते हैं कि बच्चे की कोई ख्वाहिश ऐसी ना हो जो मैं ना पूरी करूं। अच्छा। शुरू से वो उसको नो नहीं करते शुरू से, और मेरा सब कुछ तुम्हारा ही है, बस मेरी खैर है, मेरा क्या है, तुम ही मेरे लिए सब कुछ हो, हम उसको किंग बना के रखते हैं, वो भी ये समझता है कि मैं किंग हूँ। जब वो छोटा होता है उसकी जरूरियात छोटी होती है, हमें इतना महसूस नहीं होता, जूं जूं वो बड़ा होता है उसकी जरूरियात बढ़ती है, वो मार्शे में देखता है, वो इधर उधर देखता है। मसलन एक बच्चा आके कहता है कि मैंने आज रात अपने दोस्त के यहाँ गुजारनी है। आप तो जाहिर है माँ का और उसका तो कॉन्फ्लिक्ट आएगा ना, तो अब यहाँ पे एक तो पहले से उसको रूल्स बार बार बताए गए हों कि देखे हमारे घर का रूल ये है कि आप रात को तो आप यानी ये कॉमन गलतियां जो कि वालदैन कर जाते हैं, थोड़ी थोड़ी कॉमन गलतियां हैं जो माँ बाप करते हैं, और बहुत अपनी शुरू से ऐसी बेचारगी जाहिर करते हैं कि फिर बच्चा ओवरकम करता है। माँ बाप को अपनी रिट मनवानी है, और अच्छा। ये आप 2-3 साल के बच्चे से मनवाएंगे तो 10-11 साल का बच्चा भी मानेगा, ये बहुत इफेक्टिव। अगर आप 10-11 साल के बच्चे को मनवाएंगे तो मुश्किल होगी, लेकिन आपको आपको फिर इसी तरह की सिचुएशंस में जाना है, उनसे डिस्कस करना है, उनसे कहना है और इस तरह से, लेकिन वही बात है कि वहां भी बच्चे को एक चीज फील होनी चाहिए कि लव एंड सपोर्ट है माँ की तरफ, ठीक है, ये जरूर उसको फीलिंग हो कि जो माँ मेरे कह रही है कोई दुश्मन नहीं है मेरी, ठीक है। और बहुत सी वर्किंग मदर्स होती हैं, मुझे लगता है कि उनसे गलतियां शायद इस तरह से भी हो जाती हैं कि वो कंपनसेट करने की कोशिश करती हैं कि मैं जॉब कर रही हूँ, एक तो वैसे ही टाइम कम है, उस एंगल से खास तौर पे बताइएगा।
ये तो होता ही है, ये तो मतलब डेफिनेटली क्वालिटी टाइम आप जितना मर्जी दें, क्वालिटी टाइम एक और चीज़ है डॉक्टर कमल, और बच्चा जो है ना उसे फुल टाइम एक नज़र की ज़रूरत है, बिल्कुल है, वो जो एक सर्वेलेंस है ना वो उसके ऊपर मुस्तकिल रहनी चाहिए, जो वर्किंग पेरेंट्स शायद उतनी नहीं दे सकते वहाँ पे, ये जो कह रही है ना तरबियत के एलिमेंट्स, लेकिन हमें ये पता नहीं है। असर्टिव हम तो खुद बाई नेचर नहीं असर्टिव होते, तो हमने एज पेरेंट असर्टिव कैसे होना है, पहले तो हमें अपने तौर पे ही सीखना, जो मुझे भी लगता है कि हमें पता ही नहीं होता कि जब हमने वालदैन बनना है तो हमने बच्चों को क्या करना है, कैसे करना है, ना कोई हमें बताता है ना कोई हमें सिखाता है। अच्छा, आप ये बताएं कि जब आप शो करती हैं, शो में तो आप माशाल्लाह बहुत असर्टिव हैं, आप सवाल पूछ रही हैं, आपका थॉट प्रोसेस है, आप सारी चीज़ को लेके चल रही हैं प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, जब आप ये शो करने के बाद घर जाती हैं और कदम रखती हैं अंदर, तो आपको अपनी पर्सनैलिटी में चेंज फील होता है और आपको लगता है कि आपकी मोहब्बत का वो तरीका जो है कुछ वो चेंज हो रहा है, और अब आप क्या आपको फीलिंग आती है? नहीं, मुझे नहीं फील होता, लेकिन मुझे अपने बच्चों का रवैया चेंज लगता है। अच्छा, क्योंकि वो फौरी तौर पे कहती है आपका मॉर्निंग शो नहीं है। अच्छा, हाँ, यहाँ पे आपकी मर्जी नहीं चलेगी, ये हमारी जिंदगी है, हमने भी सब्जेक्ट सिलेक्शन को देख लें आप, बिल्कुल सही, आप एडिक्शंस की बात तो है, हम यहाँ तक तो बच्चों को आज कह नहीं सकते कि भाई आप ये पढ़ लीजिए ये आपके लिए बेहतर है, हमें कहा जाता है आपने नहीं कहना, उनका एक एप्टीट्यूड होगा, उनका एक अपना स्किल सेट होगा, वो खुद से जो डिसाइड। अब मुझे बताइए, बच्चे इस उम्र में जो फैसले करते हैं वो फैसले बाज़ुकात सही नहीं होते, वो उनको खुद भी नहीं अंदाजा होता, वो हमारे हमारे मौशरे में, हाँ जी, ये वेस्टर्न मौशरा नहीं है जहाँ बच्चे सेल्फ डिस्कवरी कर चुके हों। सही कह रही हैं, हमारे तो एजुकेशन सिस्टम में बच्चों को अभी तक ग्रेड्स के सिस्टम में ही डाला हुआ है, और जो मैं आपको कह रही हूँ ज्यादा से ज्यादा कुछ वेस्टर्न चीजें हमने, जो की सुपरफिशियल चीजें, बिल्कुल, जो उनकी असल चीजें वो तो हमने अपनाई नहीं, बिल्कुल सही बात, कि आप बच्चे को सेल्फ डिस्कवरी के प्रोसेस पे लेके जाए, फिर उसको ये राइट दें या उसको अथॉरिटी दें कि तुम अब फैसला कर सको। सही, बड़े मुश्किल मराहिल हैं नाज़रीन, इस पे अभी हम मज़ीद गुफ्तगू करेंगे, एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं आज माँ बाप के मोहब्बत के मेयार की। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है कारी सुहेब अहमद ने, बहुत बड़े आलिम हैं, और उनसे हम जाकर बात करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह बरकातुहू। शेख, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि नशे की रोकथाम में उलमा का क्या किरदार है? بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد اسلام ایک جامع اور مکمل نظام سے عبارت ہے اس کا ہر پہلو اس کی جامعیت اور اکملیت کا شاہکار بھی ہے اور آئینہ دار بھی ہے بالکل اسلامی تعلیمات ہمیں یہ بتاتی ہیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العلماء ورثة الانبیاء علماء کرام یہ انبیاء کے وارث ہیں علماء کرام نے نشے کی روک تھام کے لیے وہی کردار ادا کیا ہے جو ان کی ذمہ داری تھی اور ذمہ داری یہ تھی کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام بھی رب کے احکامات کو دنیا کے سامنے پیش کرتے تھے آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نشے کی روک تھام کے لیے شراب کے بارے میں اور ہر نشہ آور چیز کے بارے میں جو رہنمائی پیش کی اس رہنمائی کو جمعہ کے خطبے میں دروس میں تقاریر میں اور مختلف سیمینارز منعقد کر کے لوگوں تک یہ تعلیمات پہنچائی ہیں بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الخمر ما خامر العقل خمر اس کو کہتے ہیں جس سے عقل میں فطور آ جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی امت کو وہی تعلیمات دی جو علماء بھی اس وقت پیش کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر شراب مت پیو کیونکہ یہ ہر برائی کی چابی ہے اور جڑ ہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخمر ام الخبائث شراب تمام خباستوں کی جڑ ہے اور تیسری حدیث کی الفاظ ہے الخمر ام الفواحش و اکبر الکبائر شراب یہ تمام فحاشیوں کی جڑ ہے اور کبیرہ گناہ ہے اور چوتھی روایت کے یہ لفظ ہے من شرب الخمر
وقع على امه وخالته وعمته. جب انسان نشے کی حالت میں چلا جاتا ہے تو اس کے سامنے والدہ گرامی, خالہ اور پپھو, اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی, وہ ان کے ساتھ بھی برائی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو آج علماء کرام بتاتے ہیں, انی انہاکم عن کل مسکر, میں ہر نشہ ور چیز سے تمہیں روکتا ہوں. فاجتنبوا کل مسکر, ہر نشہ ور چیز سے بچ جاؤ. کل مسکر حرام, ہر نشہ ور چیز حرام ہے. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, یہ گمراہی کا سبب ہے. جیسا کہ آپ کے سامنے معراج کے موقع پہ شراب اور دودھ پیش کیا گیا تو آپ نے دودھ کو اختیار کیا, تو جبریل امین نے کہا تھا, اخذت الفطرہ, آپ نے فطرت کو لے لیا. ولو اخذت الخمر لغوت امتک, اگر آپ شراب لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے دسترخوان پہ مت بیٹھو. نہا عن الجلوس علی مائدۃ یدار علیہ الخمر, جس جگہ شراب رکھی گئی ہے اس دسترخوان پہ بیٹھنے سے بھی منع فرما دیا. تو علماء امت, یہی وہ اقوال, یہی وہ تعلیمات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دی, ان کو اپنے خطبوں کے ذریعے, اپنے وعظ کے ذریعے, سیمینارز کے ذریعے, اور مدارس کے اندر اور جامعات کے اندر اور مراکز اسلامیہ کے اندر باقاعدہ اس کو سبکن سبکن پڑھایا جاتا ہے اور اس کی آگہی دی جاتی ہے. شیخ, یہ بھی بتائیے گا کہ بہت سے لوگ یہ شکوہ کرتے ہیں اور ایسی باتیں کرتے ہیں کہ دینی مدارس میں ایڈکشنز کے بارے میں یا اس ٹاپک کے بارے میں بات نہیں کی جاتی. لوگوں کا یہ شکوہ کہ دینی مدارس میں نشے کے بارے میں کوئی پراپر تعلیمات نہیں دی جاتی, یہ ایک شکوہ ہے. اور شکوہ کرنے والا کوئی بھی ہو سکتا ہے, اور شکوہ کرنے والے کا شکوہ ضروری نہیں کہ وہ صحیح ہو. اس ضمن میں تین باتیں بیان کروں گا. وَلَيْسَ يَصِحُّ فِي الْأَذْهَانِ شَيْءٌ اِذَا احْتَاجَ النَّهَارُ إِلَى الدَّلِيلِ, جب سورج کی روشنی نظر آ رہی ہو اس کے بارے میں دلیل طلب کی جائے تو اس عقل کے بارے میں کیا کہا جائے گا. وَقَدْ يُنْكِرُ الْعَيْنُ ضَوْءَ الشَّمْسِ مِنْ رَمَدِ وَقَدْ يُنْكِرُ الْفَمُ طَعْمَ الْمَاءِ مِنْ سَقَمِ, بس اوقات بخار ہو جائے تو خوبصورت اور انتہائی لذیذ شربت بھی کڑوا لگتا ہے. صحیح. اور جب آنکھوں میں تکلیف ہو جائے تو سورج کی روشنی نظر نہیں آتی. بھلا مدارس بھی, اسلامی مراکز بھی, جامعات بھی یہ تعلیمات نہیں دیتے کہ نشے سے بچو تو یہ تعلیمات کہاں سے ملتی ہیں؟ صحیح. مدارس اور جامعات کے اندر جو کریکلم ترتیب دیا گیا ہے, کوئی ایسی حدیث کی کتاب نہیں جس میں کتاب الحدود نہیں, کتاب التعزیرات نہیں. وہاں یہ بیان کیا جاتا ہے, سمجھایا جاتا ہے کہ اگر شراب پی جائے گی 40 کوڑے لگتے ہیں. حدود کا تذکرہ, تعزیرات کا تذکرہ, اور پھر اس کو سبکن سبکن پڑھا کے اس کے بارے میں اس طرح کی معلومات کو آپس میں ایک دوسرے سے چینج کروایا جاتا ہے کہ آپ کو کیا فہم حاصل ہوئی, آپ کل کو معاشرے میں جا کے کیا کریں گے, اور اس کی روک تھام کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے. تو جامعات کے اندر, اسلامی مراکز کے اندر اور مدارس کے اندر پراپر تعلیمات دی جاتی ہیں, اور اس کا حکم قرآن و سنت کی روشنی میں طلباء کے سامنے, طالبات کے سامنے واضح کیا جاتا ہے. ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ اگر ہم تمام ادیان کا موازنہ کریں تو نشے کے بارے میں ہمیں کیا سوچ اور انداز ملتا ہے؟ ادیان سماویہ, وہ کتابیں جو اللہ عز وجل نے نازل کی, تورات ہو, انجیل ہو, زبور ہو, صحف ابراہیم یا صحف موسیٰ, یہ سب اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے. بالکل. اور قرآن اس بات کی گواہی دیتا ہے, شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ ان اقیم الدین, جتنے بھی انبیاء ہیں تمام انبیاء کا مشترکہ دین دین اسلام ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے, قرآن آ جانے کے بعد
ہمیں سابقہ کتب سے حجت اور دلیل لینے کی ضرورت نہیں رہتی، ان کتابوں پر ہمارا ایمان ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے، لیکن قرآن مہیمن علی یہ سب پر مہیمن ہے اور اس کے احکام کو نافذ کیا جاتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری پیغمبر ہیں ان کی آمد کے بعد کسی بھی نبی کی نبوت نہیں چلتی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان موسی حیا لما وسعه الا اتباعی، اگر آج موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی زندہ ہوتے تو ان کو بھی میری ہی پیروی کرنا پڑتی، لیکن پھر بھی اگر ہم سابقہ دیان کو دیکھیں کوئی بھی ایسا دین اللہ نے نہیں اتارا جس میں مخلوق کو یہ تعلیمات نہ دی گئی ہوں کہ یہ چیز اچھی ہے اور یہ بری ہے، یہ حق و باطل کی تمیز، صحیح اور غلط کی تمیز، یہی نبوت کا ایک ہدف تھا، یہی کتابوں کا ایک مقصد تھا۔ آج بائبل کو اٹھائیں تو پتہ چلتا ہے وہاں لکھا ہے خمرن و مسکرن لا تشرب انت و بنوک، اللہ عز و جلال نے ہارون سے کہا کہ نشاور چیز اور شراب نہ تم اس کے قریب جانا نہ اپنی اولاد کو اس کے قریب کرنا، کیوں؟ لکی لا تہلکو، تاکہ تم ہلاک نہ ہو جاؤ، بلکہ بائبل یہ کہتی ہے کہ یہ جھگڑے مخاصمات وویل ہلاکتیں بربادیاں اور جروح انسانی زخم جو انسانی اقدار پہ زخم ہے اور انسانی سماج پہ زخم ہے کہ کوئی سبب نہ ہو اور معاشرہ آپس میں گھتم گھتہ ہو، یہ اس وقت ہوتا ہے الذین یدمنون الخمر، جب لوگوں میں شراب نوشی عام ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا من شرب الخمر، جو شراب کو پیتا ہے لم تقبل له صلاة 40 صباحا، 40 دن تک اس کی نماز اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی، بلکہ اگر کسی کے پیٹ میں شراب ہے اور اس نے توبہ نہیں کی اور اسی حالت میں مر جاتا ہے مات میتتا جاہلیہ، وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر جنت حرام ہے تین لوگوں پر، ثلاثۃ قد حرم اللہ علیہم الجنہ، تین لوگوں پہ جنت حرام ہے، ان میں ایک وہ ہے مدمن خمر، جو شراب کا رسیہ ہوتا ہے، جو شراب نوش بھی ہے اور اس کی عادت بن گئی ہے۔ اللہ عز وجل سے دعا ہے، اللہ عز وجل ہم سب کو ہر قسم کے نشے سے اور نشہ آور چیز سے محفوظ فرمائے، اور اس وطن عزیز میں امت اسلامیہ کے لیے اور اس وطن عزیز میں تمام امت کو تمام لوگوں کو ہر قسم کے نشے سے محفوظ فرمائے، اور امت اسلامیہ کو ایسی ہر چیز سے محفوظ فرمائے جس سے شریعت نے منع کر دیا، جو سراسر انسانی زندگی کے لیے بھی مہلک ہے اور اس کے ایمان کے لیے بھی مہلک ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ جی فرا، یہ اب آپ مجھے بتائیں کہ ایک طرف ہمیں اسلامی تعلیمات ملتی ہیں جو بڑی وضاحت سے بتاتی ہیں کہ یہ چیز حرام ہے، اس سے بچ کے رہنا ہے، اور دوسری طرف ہم آج کا بہت بڑا چیلنج یہ فیس کر رہے ہیں، اگر ہم اپنے یوتھ کو دیکھتے ہیں، نوجوان نسل کو دیکھتے ہیں، ان کو یہ چیزیں ساری دقیانوسی لگتی ہیں، وہ کہتے ہیں موم یو ہیو اگین سٹارٹڈ یور لیکچر، اب آپ پھر وہی بات کر رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جب وہ انسٹیٹیوشنز میں جاتے ہیں جو ان کو گلیمر ایلیمنٹ وہاں پہ ملتا ہے وہ ان کو بہت اپیل کرتا ہے، یہ جو گیپ ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گی، کیسے فل ہوگا یہ گیپ، کیسے کریٹ کیا گیا ہے؟ ڈاکٹر قمر، ہماری سوسائٹی تبدیل ہوئی ہے، وہ تبدیلی کیسے آئی ہے؟ وہ تبدیلی آئی ہے جب آپ کا تعلیمی نظام تبدیل کیا گیا ہے، جب اس کا پورا بنیادی ڈھانچہ تبدیل کیا گیا ہے، اور ہم سب خاموشی سے وہ سب کچھ دیکھتے رہے ہیں۔ یہ جو باتیں کہی گئی ہیں یہ ہر ایک مسلمان جانتا ہے اچھی طرح سے، کھلی، جو میں نے آپ کو کہا تھا محکمات حرام کی کلیئر ڈیفینیشنز میں ہے کہ آپ نے کسی نشاور چیز کے نزدیک نہیں جانا، بھلے وہ گولی اپنا کوئی نام بدل کے آ جائے، بھلے وہ نشہ کسی اور رنگ میں آ جائے، کسی انداز میں آ جائے، آپ نے اس کے قریب نہیں جانا۔ بکش نالج ہے یہ، لیکن امپلیمنٹیشن میں جب آپ آتے ہیں آپ کو رول ماڈلز کی ضرورت ہے نا، ادارے۔ آپ نے آج تک ڈاکٹر قمل، ایک تو گھر سے تو ہو گئی ہوگا، لیکن گھر سے ہم ڈسکس کر رہے ہیں ڈیلیما کہ والدین جو ہیں وہ اب تھوڑا سا بے بس،
جو ایک نظام کی بات کی جاتی ہے, اسلام کی خوبصورتی کیا ہے, اسلام چھوٹے چھوٹے سرکلز کرتا ہوا ایک بڑا سرکل جو ہے وہ کریٹ کرتا ہے. بالکل صحیح بات. تو وہ جو چھوٹے سرکلز ہوتے ہیں ود ان دیٹ سرکل وہ آپریٹ کر سکتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے گھر کا چھوٹا یونٹ جو ہے وہ آپریٹو نہیں ہو پا رہا, کیونکہ باہر جو اس کے سرکل ہے وہ کچھ اور ہے, وہ اس کے تضاد میں ہے. بالکل. آپ نے کتنی خبریں سنی ہیں کہ ملک میں اتنی شراب آئی ہے, یہ جتنی شراب ہے یہ امپورٹڈ ہوتی ہے اکثر جو پارٹیز میں, یہ پاکستان میں تو نہیں بنتی, یہ پاکستان کے باہر سے آتی ہے. یہاں سے کوئی ایک گرام بھی ہیروئن لے کے جا رہا ہو تو دنیا میں خبر بن جاتی ہے. کبھی یہ خبر بنی کہ پاکستان میں اتنی شراب جو ہے وہ لائی گئی ہے؟ اچھا یہ ہیروئن جو ہے یہ ہمارا افغان بارڈر جو ہے یہ وہاں سے آ رہی ہے. صحیح. تو ہمارے ملک میں بھی تو لائی جا رہی ہے, ہمارے یہاں کاشت نہیں ہو رہی, ہمارے یہاں پیداوار نہیں ہے اس کی, کیوں نہیں اس چیز کو ان بارڈرز کو ان جگہوں کو سیل کیا جاتا؟ پیرنٹس اگر کیا اس چیز کو دیکھیں, مجھے تھوڑا سا بتانے دیجئے گا ڈاکٹر کمل, ادارے ہیں اور وائٹ ایلیفنٹس ہیں, ان کو پتا ہے. یہاں آپ ایک اسلام وفاقی دارالحکومت کی بات کریں اسلام آباد, میں ایز پیرنٹ آپ کو بتا سکتی ہوں ایسی جگہ ہے جہاں ٹین ایجرز ملتے ہیں, بیٹھتے ہیں, اسپاٹس پتا ہے, اسپاٹس پتا ہے, لیکن کیوں نہیں ان پہ کاروائی ہوتی؟ اسی طرح آپ دیکھیں جو یوتھ کے ایونٹس ہوتے ہیں, فنکشنز ہوتے ہیں, کئی دفعہ کانسرٹس ہوتے ہیں, ایسی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ وہ ان کے ساتھ نتھی ہوتی ہیں, تو وہاں پہ کیوں نہیں ہوتا, کیوں نہیں یہ ادارے آپریٹ کرتے؟ مجھے بتائیے, میرا بیٹا ہے, جوان بیٹا ہے, میں اسے گھر میں باندھ کے نہیں رکھ سکتی. صحیح. میں اسے تربیت دے سکتی ہوں مگر اس کے ساتھ ساتھ کچھ ذمہ داری تو ریاست کی بھی ہے نا, کچھ ذمہ داری تو اداروں کی بھی ہے نا, کہ ٹھیک ہے وہ اگر 100% نہیں 60% 70% تو پاک کرے. دیکھیں ہمارے یہاں پہ بیلٹ کا آ گیا کہ بیلٹ لگائیں اس پہ فائن ہوگا, تو دیکھیں سب نے بیلٹ لگانی شروع کر دی. لیکن آپ یہ دیکھیے جب کہ ایک اجتماع ہو رہا ہے, ایک کانسرٹ ہو رہا ہے, پوری آپ کی ایڈمنسٹریشن انوالو ہے, انہیں پتا ہے کہ یہاں پہ آج گیٹ ٹوگیدر ہے جی, ٹین ایجرز کا, بچوں کا, یوتھ کا, کیوں نہیں وہاں پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے, کیوں نہیں وہاں پہ وہ ادارے انوالو ہوتے کہ یہاں پہ نو ڈرگ ایریا ہوگا, یہ نو بڈی ول بی الاؤڈ کہ وہ یہاں بیچے سیل کرے. پیرنٹس کیا ہیلپ لیس بیٹھے رہے ہیں, اگر پیرنٹس کو یہ چیز پتا ہے وہ کیسے جا کے ان اداروں کو جیسے کہتے ہیں جگا سکتے ہیں؟ کوئی سنتا ہے ڈاکٹر کمل؟ کوئی نہیں سنتا. آپ کے سامنے یہ کراچی میں بچے مار دیے گئے ہیں روڈز کے اوپر اوپن گن فائر کر کے, اور وہ کورٹس میں دھکے کھاتے پھر رہے ہیں. آپ کا انصاف تک تو انصاف دے نہیں سکتا. یہی تو بے حسی ہے, یہی تو وہ بات ہے. لیکن اب والدین جو ہے نا, میں والدین بات کر رہی ہوں, بہت بے بس ہے. ہم اپنے بچوں کو اگر سکھائیں, ہم انہیں بتائیں, تو بھی وہ گھر سے باہر جانا ہی جانا ہے, ان کا ایکسپوئر ہونا ہی ہونا, یہی بہت بڑی فکر ہے. اور اس پہ ہم تھوڑی سی بات کریں گے, ایک شارٹ بریک لیتے ہیں, کہ والدین جو ہیں وہ اتنے بے بس ہو کے رہ گئے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو بہت سے اثرات سے بچا نہیں پا رہے, تو پھر بھی ہم اس میں کیا رول پلے کر سکتے ہیں؟ ایک شارٹ بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد اس پہ مزید بات کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, آج ہم بات کر رہے ہیں والدین کی مشکلات کی, اور والدین کی پیار محبت وہ کہاں جائے اور کیسے جائے. جی محجبین, آپ بتائیں, ایک والدہ جو ہے جو اپنے بچے کو بہت ڈانٹتی ہے اور بہت کھینچتی ہے اور ٹانٹ کرتی ہے, تو اس سے جب پوچھا جاتا ہے کہ آپ کیوں اپنے بچے کے ساتھ ایسا سلوک کرتی ہیں, تو بیچاری معصومیت سے کہتی ہے کہ میں تو اس کو سمجھانا چاہ رہی ہوں, میں چاہ رہی ہوں اچھا انسان بن جائے. اس کو محبت کا صحیح معیار کیسے سیٹ کرنا چاہیے؟ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اگر ماں یہ سمجھتی ہیں کہ مارنے سے یا ڈانٹنے سے بچے ٹھیک ہو جائیں گے, تو اس میں تو ہمیں پھر لگے گا دو طرح کے ایٹیچیوڈ آئیں گے, یا تو بچے ریبیلیس ہو جائیں گے اور یا بہت زیادہ شائع ہو جائیں گے. دیکھیں ہم بچوں کو پیپل پلیزرز نہیں بنا سکتے, ہم نے بچوں کو ایک ڈفرینٹ, ایک ہر بچہ ایک انڈیویجول ہے نا, جیسے ماں کا بھی دماغ لے کے وہ نہیں چلیں گے نا, جیسے ابھی فرح نے کہا ان کا اپنی ایک انڈیویجولیٹی ہے. صحیح بات ہے. اس کو قائم رکھنے کے لیے ماں کو انکنڈیشنل لو کی طرف جانا پڑے گا. اچھا ٹھیک ہے نا, اگر اچھا ہے تو بھی میرا ہے, اچھا نہیں ہے, خراب بیہیویئر ہے تو بھی میرا ہے, میں نے اون کرنا ہے. اور اس کے لیے اس کو سپورٹ چاہیے, ٹھیک ہے نا. سب سے پہلے اس کو ماں کو, بچے کو پتا ہو ماں سپورٹ, لیکن سپورٹ نیگیٹیولی نہیں, ایسی چیز میں نہیں دینی جو اسے نقصان دے. ایگزیکٹلی, یا میں بابا سے اس کی بات چھپا دوں, میں اس کو ڈانٹنا پڑنے دوں, یہ چیز نہیں. لیکن یا یہ کہ دوست اگر غلط ایکٹیویٹی میں انوالو ہو رہے ہیں تو میرا بچہ لیفٹ آؤٹ نہ فیل کرے, اس کو جانے دوں, میں اس کو جانے دوں, یہ چیز نہیں ہے. لیکن ماں اس بچے کو پتا ہو کہ ماں پیار, دیکھیں ماں بچے کو ٹیچ کرے گی, فکس نہیں کر سکتی.
ठीक है ना, माँ को ऐसे टेक्निक्स आनी चाहिए सी, वो सीखे कि कैसे टीच कर सकती है, बजाय इसके कि उसको कहे नहीं बस जो मैंने कहा तुम वही करोगे, सही ये चीज नहीं उससे करनी, अगर ये माँ कहेगी तो फिर बच्चा वही करेगा जो उसका अपना दिल चाह रहा है, माँ की बात नहीं मानेगा, ठीक है तो बच्चे को माँ ने टीच करना है, फिक्स नहीं करना अनकंडीशनल लव का। एक तो होता है ना प्यार जाहिर करना, एक होता है कि जैसे बच्चे की किसी काम पे तारीफ करना, और दैट इज अ डिफरेंट थिंग। तारीफ हम बेजा ना करें, तारीफ ऐसी चीज की ना करें जो वो नहीं कर रहा, सही, लेकिन अपने एटीट्यूड से उसको बताएं कि मैं कितना तुम्हारे से लव करती हूँ, ठीक है ना, वो आपके बिहेवियर से अंदाजा लगा ले, ठीक है ना। तो आपने बिठा के उससे बात करनी है, जब वो आ रहा है उससे एक जनरल क्वेश्चन पूछने हैं, क्या रहा कैसा रहा, कि बच्चे को लगे कि उसका कनेक्शन बिल्ड हो, बिल्कुल कनेक्टेड रखना है, ठीक है। अच्छा फरा ये बताएं, हम जब मीडिया पे, मैं बार बार आती हूँ आपको देखती हूँ तो मीडिया बहुत याद आता है, तो मीडिया से, क्योंकि मीडिया का इम्पैक्ट भी हम देखते हैं बहुत ज्यादा है। अच्छा मीडिया में ना बहुत से लोग जो घरों में बैठे हैं, वो जो वालदैन बैठे हुए हैं और वो देख रहे हैं कि क्या कुछ आ रहा है और बच्चे हमारे क्या क्या असरात ले रहे हैं, तो वो ये हर वक्त इस चीज़ पे तनकीद करते रहते हैं। दूसरा ये कि मीडिया पे मैंने देखा है कि एक बहुत बड़ा प्रेशर होता है रेटिंग का, रेटिंग आनी चाहिए, रेटिंग आनी चाहिए, यानी हर चैनल हर प्रोग्राम सिर्फ यही कोशिश कर रहा है। मुझे कभी लगता है, कभी कभी ऐसी फीलिंग होती है कि मवाद नहीं कोई सोच रहा, उसका इम्पैक्ट नहीं सोच रहा, रेटिंग सोच रहा है। ये रेटिंग आती कहाँ से है, क्या इसमें सिर्फ मीडिया का हाथ है? नहीं, रेटिंग इज़ अ टू वे प्रोसेस। रेटिंग का मतलब ये है कि इस प्रोग्राम को कितना पसंद किया गया, ठीक है। अच्छा अब देखिए, जब तक रेटिंग का चक्कर नहीं था, एक नेशनल मीडिया था आपका, वो ऑपरेट कर रहा था जो किया जाना चाहिए, सही। उसके बाद ये हाँ हमारे हाथों से निकल गया, ठीक है। इस वक्त ना आपके पैनल पे बैठा हुआ प्रोड्यूसर ना आप ये तय कर सकते हैं कि हमने क्या चलाना है, सही। ये तय देखने वाला करेगा कि स्क्रीन पे क्या चीज चलेगी। अच्छा अगर उसकी रेटिंग नहीं है, मैं आपको लिख के देने के लिए तैयार हूं, आइंदा दोबारा वो प्रोग्राम, कोई चैनल अपने पल्ले से ये पैसे लगाकर एक लॉस प्रोजेक्ट पे काम नहीं करेगा। उसको कमर्शियली वाइबल होना जरूरी है उसके सर्वाइवल के लिए। कमर्शियली वाइबल क्या होगा? अवाम की पसंदीदगी। मुझे खुद नहीं समझ आती है डॉक्टर कमल, जब मैं लोगों में जाती हूँ, लोग कहते हैं बहुत डिसेंट, बहुत अच्छा। जब हम प्रोग्राम करते हैं, हाँ जी, तो स्क्रीन हमें बताती है कि ये चीजें तो नहीं चल रही हैं, सही बात है, देखी जा रही हैं, जहाँ पर एंटरटेनमेंट है, पार्टी है, फन है, जोक्स हैं, वो सब चीजें जिन्हें हम पब्लिकली डिस्कस करते हैं तो क्रिटिसाइज करते हैं, ठीक है। लेकिन जब रेटिंग आती है तो उन चीजों की आती है, यानी कि रेटिंग का मतलब ये है कि वो पता चलता है कि कौन लोग ज्यादा प्रोग्राम वो देख रहे हैं, देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, सिर्फ देख नहीं रहे। मतलब अगर देखने का तो मतलब है कि आपने एक लम्हे के लिए देखा, आपको पता है एक प्रोग्राम अच्छा नहीं, वो एक दिन भी लगा है, वो दूसरे दिन भी लगा, वो एक दिन आपने गलती से देख लिया, पर दूसरे दिन भी आपने देखा है, आपने तीसरे दिन भी देखा है, वो कॉन्टिन्यूसली रेटिंग्स ले रहा है, इसका मतलब है कि आपके अंदर एपिटाइट, आपकी पसंदीदगी का मयार ही यही है। अच्छा ये भी बताइए साथ साथ कि माशाल्लाह आपको इतने साल हो गए, आपने ओवर द इयर्स क्या चेंज देखी है अवाम में, उनके थॉट प्रोसेस में? क्योंकि वही बात है कि हम इदारों को भी ब्लेम कर रहे हैं, हम पॉलिसी मेकर्स के बारे में भी बात कर रहे हैं, लेकिन वही बात है कि जो लोग ब्लेम कर रहे हैं, क्या वो अपने बारे में भी सोच रहे हैं कि हम क्या रोल प्ले कर रहे हैं? हमारे यहाँ डॉक्टर कमल मुनाफकत और दोहरा मयार जितना अब है मैंने इससे पहले नहीं देखा। अब हमें ये पता है सबको कि क्या सही और क्या गलत है। हम कहते हैं कि ये सही है, ये होना चाहिए, ये हम इसे सपोर्ट करते हैं, करते नहीं है, करते हम सब। आप शराब की बात कर रही हैं, आप नशे की बात कर रही हैं, एक हराम है ना, सबसे बड़ा हराम क्या है? किसी का माल नाहक खाना, अमानत में खयानत करना, ये भी तो हराम है ना। इनसेंसिटिविटी होगी है ना हर चीज के बारे में। जब आपने बड़े बड़े हराम जो है उनको नहीं लिफ्ट कराई, वो बाप या माँ किस मुंह से अपने बच्चे को कहेगा कि ये हराम है? वो कहेगा 10 और हराम भी तो आप कर रहे हैं, बिल्कुल तो ये एक हराम भी ठीक है। अच्छा फिर दूसरी, आप पेरेंट्स की, मतलब मीडिया हैज इट्स रोल टू प्ले, लेकिन मीडिया भी अवाम के हाथों में है, सही। आप ट्रस्ट कीजिए, जिस दिन ये सब लोग जो है वो कम से कम एक जुबान होकर जो असल बात है वो करेंगे ना, उस दिन आपका मीडिया भी रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देगा। हम देखते हैं ना, कई इश्यूज आते हैं, जैसे कई दफा कोई अब्यूज का आया या किसी के साथ बहुत जुल्म हो गया, वो सोशल मीडिया पे स्टोरी चली, तो अब मीडिया वाले भी इन्वॉल्व हो गए, लोग भी इन्वॉल्व हो गए, तो इदारे भी फिर इन्वॉल्व हो जाते हैं। सब लोग घरों से ही आते हैं, ये सब घरों में ही जाते हैं, इनके अपने घरों में भी बच्चे हैं, इनकी फैमिली, इनके सेम प्रॉब्लम्स है, इसी सोसाइटी का हिस्सा है। सिर्फ जॉब नेचर फर्क है। जॉब हमारी ये कहती है मीडिया की कि आपने वो दिखाना है जो लोग देखना चाहते हैं। रेटिंग का मतलब ये लोग ये देखना चाहते हैं। अब हम क्या करें कि जब हमारे पास वो इंडिकेटर्स ग्राफ्स में और नंबर्स में शो होते हैं, नाच गाना और ऐसी चीजें, वो लिखे हुए डॉक्यूमेंटेड है,
Nobody can challenge it. आप आज कोर्ट में केस ले जाइए, सही, आपको कोई भी चैनल कोई भी प्रोग्राम अपनी रेटिंग्स की शीट्स निकाल के दे सकता है कि सर ये देख लीजिए, ये मांग रही है आवाम, ये रेटिंग आई थी, ये आपके कहने के मुताबिक किया है, ये रेटिंग आई है, आप कैसे कह सकते हैं कि आवाम ये नहीं देखना चाहती, ये देखना चाहती है, नंबर्स तो ये शो कर रहे हैं कि आवाम ये देखना चाहती है। तो मुझे बताइए, जब आप एविडेंस पे आते हैं तो ये कही सुनी बातें ठीक है, सोशल मीडिया पे आप कहते रहे कि जी मीडिया ये कर, मीडिया वही कर रहा है जो हमारे चाहते हैं, जो लोग चाह रहे हैं। अच्छा सॉरी, जरूर जरूर, गूगल तो पाकिस्तानी मीडिया नहीं है ना, सही बात, वहाँ पर तो दीनी तालीमात भी है, हर तरह की इन्फॉर्मेशन, वहाँ भी जाकर आप सबसे ज्यादा पोर्नोग्राफी देखते हैं, वहाँ भी आप उन ममालिक की लिस्ट में सर फहरिस्त हैं जो इस तरह की नाजेबा और इस तरह की फोहश वीडियोस देखने की शौक रखते हैं। बिल्कुल सही। तो मुझे बताइए, वो भी पाकिस्तानी मीडिया है? बिल्कुल। तो फैक्ट्स एंड फिगर्स हम देखे बगैर जो है इस किस्म की बात करते हैं, उसके बारे में हमें सोचना चाहिए। अच्छा माजिबीन, आप एक चीज़ हमें बताएं कि जब हम ये वालदैन की बात कर रहे हैं और आपने कहा कि उनको अनकंडीशनल लव के बारे में पता होना चाहिए, लेकिन रिलेशनशिप बिल्डिंग कैसे करें? वही बात है कि जब छोटा बच्चा है तो तब भी हम टेक्निकलिटीज़ में हैं, और जब बड़ा बच्चा हो गया तो तब हम जंग में आ गए हैं बच्चे के साथ। तो कोई टिप्स ऐसी दें जिससे हमें पता चले कि रिलेशनशिप कैसे बिल्ड होगा बच्चों के साथ। बहुत ज़रूरी है। अच्छा जी, इसमें दो तीन चीज़ें, बल्कि काफ़ी चीज़ें इसमें आती हैं। तो थोड़ी थोड़ी बच्चों को ना आपने शुरू से एक तो यूनिकनेस उन्हें देनी है, हर बच्चे की डिफरेंट आपने देखनी है कि उसके अंदर ये क्वालिटी है, तो उसके साथ आपने बैठ के उसकी बात करनी है, उसको बताना है शुरू से, ठीक है? और फिर दूसरे आपने उनको अपने बच्चों का आपने जैसे टैलेंट भी कर लिया, फिर आपने अब बच्चा आके जैसे सब्जेक्ट्स पे फराने का कि सब्जेक्ट्स नहीं हमारी मर्जी के ले रहा, अच्छा हम उसको आउटराइट रिजेक्ट नहीं कर सकते कि नहीं ये मैं नहीं आपको लेने दूंगी, अब हम यहाँ कहेंगे अच्छा हम एक्सपर्ट से पूछेंगे, अच्छा हम इस पर डिस्कस करेंगे, अच्छा हम देखते हैं आपको कौन सा अच्छा लग रहा है, अच्छा देखते हैं हो सकता है आपको इतनी मालूमात ना हो लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं वो अच्छा बता सकते हैं, ठीक है ना? तो जब हम उनको ये मौका देंगे कि वो हमारे से अच्छी तरह कम्युनिकेट कर सके, कहीं कहीं उन्हें सेंस ऑफ अचीवमेंट देंगे, कहीं कहीं उन्हें चॉइसेस देंगे, जहाँ हम चॉइसेस दे सकते हैं। माँ बाप तो कपड़ों पर इतनी बहस शुरू कर देते हैं, आपने उन्हें ये तो बताना है कि शरीयत के हिसाब से कपड़े, लेकिन आप उसका रंग जैसा दिल चाह रहा है, मतलब ये कि उनके साथ जैसे जैसे आप इन्वॉल्व हो चुके हैं, इन्वॉल्व होते जाएंगे उनकी जिंदगी में, वो चीज बेहतर हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है लेकिन बातें इतनी अच्छी हो रही हैं कि दिल नहीं चाह रहा कि मैं इसको क्लोज करूं, लेकिन आप सबका बहुत अच्छा टॉपिक टेक अप किया है डॉक्टर कमल, इट इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट, और मेरी बहुत ज्यादा नाराजगी है उन इदारों के साथ जो इसके जिम्मेदार हैं। आप रिसर्च कर लीजिएगा, जितना एपिडेमिक पाकिस्तान में हेपेटाइटिस है, आपको याद होगा नंबर्स में पाकिस्तान दुनिया के टॉप उन ममालिक में है जहां पर ये बीमारी वायरस, आप हैरान हो जाएंगी कि पाकिस्तान में एडिक्शन और ये नशा आवर चीजों की बात सहूलत फराहमी और उनकी अवेलेबिलिटी उससे ज्यादा है। तो मुझे नहीं समझ आती कि हमारे इदारे, हमारा मीडिया, हमारी सोसाइटी, हमारे स्कूल्स, हमारे इंस्टीट्यूशंस क्या कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, बहुत बहुत शुक्रिया, जजाकल्लाह खैर। नाजरीन, ये जो लम्हा है हमारे पास, इसमें हमें ये सोचना है कि हमने अपने बच्चों को मोहब्बत तो देनी है लेकिन एक एतमाद के साथ देनी है, और उसके साथ साथ उनके अंदर ऐसे डर नहीं डालने कि जो हकीकत है उसको वो ना समझें और हकीकत के मुताबिक वो फ़ैसले ना कर सकें। तो इजाज़त दीजिए, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।